केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी ताबड़तोड़ सभाएं हुई। राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में बिरमो के सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा मंदिर ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सभा के दंगल में अधिक से अधिक सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ताबड़तोड़ सभाएं की। बोकारो जिले के बिरमो में प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सीएम से लेकर पीएम तक किसी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो अथवा झारखंड की सरकार हो, इन सरकार के किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अथवा मंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता। राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद पर लगाम लगाने को लेकर भी रघुवर सरकार की तारीफ की। नक्सलवाद का जहां तक सवाल है, आपने देखा कि 5 वर्षों के अंदर नक्सलवाद की क्या हालत हुई है। यकीन रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कमजोर कलेजे के नहीं होते हैं, मजबूत कलेजे के होते हैं। बहनों भाइयों, पूरे भारत को नक्सल मुक्त भारत करके हम लोग छोड़ेंगे, हम लोगों का फैसला है। बीजेपी अपने 5 साल के विकास कार्यों और ऐतिहासिक निर्णयों को मील का पत्थर मान रही है और इसी के बूते चुनावी बैतरणी पार करने का दम भी भर रही है। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथों में है। बिरमो से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सच है तो दिखेगा।